सवाल ये है कि जो बाकियों को पूरा पढ़ाते हैं सिखाते हैं, उनके खुद के घर में क्या होता है? क्या आपके घर में तमाम महिलाएं हिजाब ही पहनती हैं? क्या सच्ची मुसलमान कोई लड़की तभी होगी जब वो हिजाब पहनेगी? इनकलाब हिजाब से आएगा कि इनकलाब शिक्षा से आएगा? क्यों धूल झोंक रहे हैं सर आप लोगों की आंख में? क्या ट्वीट किया है ओवैसी साहब ने? इनकलाब हिजाब से आएगा या शिक्षा से आएगा सर? देखिए अंजना जी, कि मैं बोल देखिए अंजना जी, आज बीजेपी आरएसएस वालों के कलेजे को बहुत ठंडक मिल गई होगी जब उन्होंने एक मुस्लिम महिला जो टीचर कर्नाटका में अपनी स्कूल में जा रही थी उसको बाहर रास्ते पे रुकवा कर उसका ह्यूमिलेशन जो हुआ, उसका हिजाब उतरवा गया, उसका बुरखा उतरवा के रखाया गया, ये सब देख के इनको कलेजे में ठंडक पहुंच गई कि देखो हमने कर दिया, हमने मुस्लिम महिलाओं के साथ ये किया। तो हम यही कह रहे हैं ना कि आप जुल्म जमीन पे करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आसमान वाला चुप नहीं रहेगा, इसका तुमको मिलेगा अजर। आप नफरत फैलाओ, हम मोहब्बत फैलाएंगे और हम मोहब्बत से लोगों के दिल जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश नहीं, पांचों राज्य में बीजेपी का अब सुपड़ा साफ है, पूरी तरह से समझ लीजिए। अब अंजना जी आपने कहा कि इसकी बच्चियां इसमें पढ़ती है तो किसी को क्या थोपा जाता है क्या? चॉइस ऑफ फ्रीडम है। मैं मेरी बेटी को बोलता हूं बेटा अगर तुझे हिजाब पहनना है तो पहन, अदरवाइज इट इज योर पर्सनल थिंग, उसको नहीं पहनना है उसकी मर्जी, पहनना है। लेकिन अगर जिसके पास चॉइस ऑफ फ्रीडम है, जो रिलीजन का हमारा एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, तो क्यों क्यों रोकना? क्या आप इसी तरह जो स्कूल के अंदर टीचर जाएगी माथे पे टीका लगा के और गले में मंगलसूत्र पहन के उसको रोकेंगे? ये लोग है हिम्मत नहीं है हमारे? अगर सरदार भाई इसी तरह अगर कोई टीचर स्कूल में चला गया सर पे फेटा बांध के टर्बन बांध के तो क्या उसको ये रोक सकेंगे? नहीं। वो हाथ में जो धागा बांध के घूमते हैं लाल वाला, क्या वो रोक सकेंगे हमारे हिंदू भाई को अंदर जाने से? नहीं। कितने वहां पर उडीपी के अंदर मैंने देखा है कि हमारे हिंदू भाई सर पे वो लगा के सुबह जो प्रार्थना करते हैं तो जाते हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, क्या उनको भी आप रोक दोगे? नहीं। तो फिर सिर्फ मुसलमानों की अगर इतना नफरत क्यों? जबकि हमारा कुरान बताता है, शाहनवाज भाई तो पढ़े हुए, हज कमेटी में भी थे, हज में भी गए थे, चैप्टर 24 आयत नंबर 30 क्या है शाहनवाज भाई, सूरत नूर की, वो कहता है उसमें अल्लाह सुब्हान व तआला कि आप औरतों के ऊपर हुक्म है कि अपनी चेस्टिटी की हिफाजत करिए, अपने चेहरे की हिफाजत करिए, नकाब हिजाब डालना जरूर। ये हिजाब अगर अंजना जी दुपट्टा आपने कंधे पे ओढ़ लिया तो अलाउड है, लेकिन दुपट्टा आपने सर पे ओढ़ लिया हिजाब बना के तो नॉट अलाउड है। अरे शाहनवाज भाई आप मोबाइल को कवर में क्यों रखते हो? संभालने के लिए, बचाने के लिए। स्क्रीन गार्ड क्यों लगाते हो? ताकि खराब नहीं होना। तो हमारी बहनें भी अगर एक स्क्रीन गार्ड की बातें कर रहे हैं, क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं? मोबाइल और औरत को आपने बराबर बता दिया, क्या फिजूल की बात कर रहे हैं? फिजूल की बात है, एकदम फिजूल बात। आपने लड़कियों का बच्चियों को महिलाओं को मोबाइल से कंपेयर कर दिया, मगर आप आपकी कोशिश में नाकामयाब हो जाएंगे। सुप्रिया जी कवर से और धागे से कंपेयर कर दिया। प्लीज सर, प्लीज प्लीज मिस्टर पठान, प्लीज आप पे ताकत है सर, प्लीज मिस्टर पठान ताकत लगा दो। संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते रहेंगे? नहीं नहीं अंजना जी बहुत हो गया ये बीजेपी का, बहुत है हर चीज में। खाना क्या खाना आप शाहनवाज भाई डिसाइड करेंगे, कपड़े क्या पहनना आप मोदी डिसाइड करेंगे, मुझे किससे शादी करना मोदी डिसाइड करेंगे, तो फिर संविधान का क्या होगा? इस संविधान का क्या होगा बताइए? मोबाइल को कवर चाहिए, स्क्रैच कार्ड चाहिए, तो आपको क्यों नहीं चाहिए? आपको क्यों नहीं चाहिए स्क्रैच गार्ड? तो सुनिए, योगी भी जाते हैं भगवा ड्रेस पहन के पार्लियामेंट में, योगी भी जाते हैं भगवा ड्रेस, योगी भी जाते हैं भगवा ड्रेस पहन के असेंबली के अंदर, जाते हैं नहीं जाते? साध्वी प्रज्ञा सिंह जाती है नहीं भगवा ड्रेस पहन के? कोई ऑब्जेक्शन लिया है क्या कभी किसी ने? नहीं लेते हम आप ऑब्जेक्शन, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है हिजाब से? क्या नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है?